टू स्टडी एक्सरसाइज टू बी क्वेश्चन नंबर सिक्स. देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बेटा, टेस्ट द डिसेबिलिटी बाय सेवन. सेवन की डिसेबिलिटी कंडीशन हमें टेस्ट करनी है. कैसे करेंगे? देखिए जो कंडीशन है वो आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि सेवन की डिसेबिलिटी कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर अगर दिया है उसका यूनिट प्लेस को हम टू टाइम्स कर देंगे, उसके यूनिट प्लेस को टू टाइम्स करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने में जो भी रिजल्ट हमारा होगा वो जीरो या तो सेवन का मल्टीपल होना चाहिए. तो अगर जीरो या सेवन का मल्टीपल है उसका मतलब जो गिवन नंबर है वो सेवन से डिविजिबल है. देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. ये गिवन नंबर आपका 25368. क्लियरली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पहले हम यूनिट प्लेस को टू टाइम्स करेंगे और रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या आया 2520 विच इज डिविजिबल बाय 7. जो भी आएगा रिजल्ट उसको आप रफ में चेक कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं. तो 2520 विच इज डिविजिबल बाय 7 तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल है. क्लियर? अब देखिए 137 एक और नंबर मैंने एग्जाम्पल में लिया. अब 137 यहाँ पे यूनिट प्लेस आप देखते हैं 7 है, इसका टू टाइम करेंगे तो मिलेगा 7 × 2 = 14 और मैंने बताया था कि रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि माइनस हमेशा बिगर नंबर में से करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को टू टाइम्स करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने में आएगा 1 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7 जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन क्या है, जीरो या तो मल्टीपल ऑफ 7 या नहीं चाहिए. लेकिन यहाँ आपका आया 1, देयरफॉर 137 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 यानी कि 137 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है. क्लियर? तो ये रही 7 की डिविजिबिलिटी कंडीशन. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 8 से हमें टेस्ट करना है, 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है. तो देखिए क्वेश्चन है आपका 1790184. तो 8 का कंडीशन क्या है कि इसमें हम यूनिट टेंस 100 इन तीनों प्लेसेस को चेक करते हैं. इन तीनों प्लेस पे जो भी डिजिट है इन डिजिट से जो नंबर बनेगा नंबर फॉर्म का उसको पहले हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं. अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब गिवन नंबर डिविजिबल होगा और डिविजिबल नहीं है तो गिवन नंबर डिविजिबल नहीं होगा. देखिए आप 184 जो है यूनिट टेंस 100, 184 ये नंबर फॉर्म हुआ. अब इस नंबर को हमने 8 से डिवाइड किया और 8 से डिवाइड करने पे ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो गिवन नंबर है देयरफॉर जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 8 से. क्लियर? इस तरीके से इसी तरीके से स्टेटमेंट ऐड करके आप सॉल्व करेंगे. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट द डिविजिबिलिटी फॉलोइंग नंबर्स बाय 9. अब हमें क्या करना है, 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन चेक करते हैं. ओके लुक हियर, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 9 ये क्वेश्चन हमारा और नंबर है 55555. अब हमें चेक करना है तो देखिए 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या थी, सम ऑफ द डिजिट कर देते हैं यानी जो भी डिजिट है उनको सम कर देते. सम करने के जो भी रिजल्ट आता था चेक कर देते कि क्या वो 9 का मल्टीपल है यानी कि 9 के टेबल में आता है या नहीं, या वो 9 से डिविजिबल है या नहीं. तो अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो आपका 9 से डिविजिबल है और अगर नहीं तो नहीं है. ओके देखिए तो यहां राइट करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स प्लस करते हैं 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 × 10 ठीक है 1 2 3 4 5 5 × 25 तो आ गया 25 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9. क्लियर? सम करने के क्या है 25 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है देयरफॉर जो गिवन नंबर है हमारा इज नॉट डिविजिबल, वो 9 से डिविजिबल नहीं. क्लियर?
सम ऑफ द डिजिट करेंगे, डिजिट का जो सम आएगा रिजल्ट, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब गिवन नंबर डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। 10 से चेक करना है, तो 10 से बहुत सिंपल है, हम चेक करेंगे कि जो भी आपका यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर यूनिट प्लेस जीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, अगर नहीं तो 10 से डिविजिबल नहीं। क्लियर, बहुत सिंपल है, उसमें स्टेटमेंट लिख देंगे क्लियरली, यूनिट प्लेस इज जीरो, अगर जीरो है तो ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो वो भी राइट कर देंगे क्लियरली, यूनिट प्लेस इज दिस, हेंस व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 10, अगर डिविजिबल नहीं है तो व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 10, और जीरो है तो व्हिच इज डिविजिबल बाय 10, देयरफॉर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ये उसका सिंपल तरीका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पे, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। अब 11 से हमें टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी कंडीशन, देखिए ओके, नाउ लुक हियर, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 पे डिविजिबिलिटी हमें टेस्ट करनी है, ये हमारा गिवन नंबर है 66311। तो सबसे पहले कंडीशन जान देंगे, कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इवन ऑड, ठीक है, इवन ऑड मतलब नंबर में से नहीं फाइंड आउट करेंगे कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है, हम प्लेस करते हैं ऑड इवन, ऑड इवन, ओके, राइट हैंड साइड से प्लेस करेंगे ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद जो है सम ऑफ ए डिजिट इन ऑड प्लेस, ऑड प्लेस में जो भी डिजिट है उनको सम करेंगे, ठीक है, तो ऑड प्लेस में क्या क्या है भाई, 1+3+6, सम करते हैं कितना आएगा, 3+1+4+6+10। अब नेक्स्ट जो है सम ऑफ ए डिजिट इन इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे जो जो है उसको प्लस करेंगे डिजिट को, तो देखते हैं 1+6, ये जो है 1+6+7। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, नाउ डिफरेंस ऑफ दीज सम्स, अब ये जो सम आया है अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस करेंगे तो 10-7 क्या है, 3। कंडीशन क्या है, जो रिजल्ट है वो आपका क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, 0 या 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पे ना 0 आ रहा है ना 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ राइट कर देंगे नॉट by 11, therefore 66311 is not divisible by 11। clear, क्या मतलब जो given number है आपका वो 11 से divisible नहीं है। अगर अभी भी कोई doubt होगा तो आप comment box में comment करिएगा, आपका सारा doubt clear कर दिया।